इंसान की बात बोल रही हूँ। आप इसको आपको बुरा लगता है तो आप बुरा मानना जरूर, आप मन पे लगाना जरूर। ये सारे केसेस जो होते हैं मैं पर्सनली मानती हूँ कि उनमें सबसे बड़ा हाथ लड़कियों का होता है। अगर लड़कियां किसी कोई कुछ इस तरीके केसेस शुरू होते हैं, अगर लड़कियां शुरू में ही वो उसको डिनाय करते और एक तरह से कंप्लेन करते हैं, अगर आपके हाथ में नहीं है आप अपने लेवल पे आप नहीं कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी माँ से क्लोज हैं तो आप माँ से बताइए, अपनी बहन से क्लोज हैं तो आप बहन को बताइए, किसी को भी बताइए, लेकिन आप उस बात को कभी बढ़ावा मत दीजिए, कभी भी बढ़ावा मत दीजिए। क्योंकि हमारा समाज जिस तरह से बना हुआ है उसमें इस तरह की बातें थोड़ी भी आगे बढ़ते ही लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी पढ़ाई छुड़ा दी जाएगी, आपको घर में भाग लिया जाएगा और एज सून एज पॉसिबल आपका ब्याह करा दिया जाएगा किसी भी लड़के को पकड़ के। और अगर आप ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि लड़कों के साथ एक समाज ये कहता है कि कोई बात नहीं आगे लड़के हैं वो तो चलता है, लेकिन लड़कियों को कोई क्षमा नहीं करता है। अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं, इसलिए मेरी बात आप लड़कियों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये बात आप याद रखें कि कहीं पे भी आपको ये लगता है कि आपके मान सम्मान को और आपको आगे बढ़ने से ये मुझे रोक सकता है तो आपका वो हितैषी नहीं है, वो आपको पसंद करने वाला और प्यार करने वाला नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज नहीं तो कल वो आपके करियर को बर्बाद कर देगा, आपको घर बिठा देगा और आप आगे पढ़ नहीं पाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। ये आप मान करके चलिए, जो हिंदुस्तान में इंडिया में स्पेशली उत्तर प्रदेश में और बस्ती जैसे कस्बों में या दूर दराज के इलाकों में